आई गेलो यूपी में चुनावा वाए भैया, अरे आई गेलो यूपी में चुनावा वाए भैया। हाँ डाली चली सबे मिला भोटावा हो तू जीतावा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य बिहार है। हम बिहार के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहते हैं वो, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, मायावती की या अखिलेश यादव की या बीजेपी की। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी ही बोल रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ अंबेडकर हॉस्टल जो पटना का है, वहाँ दलित छात्र रहते हैं, इनका क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए या किसकी सरकार बन सकती है और क्यों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, क्या नाम हुआ? विनय कुमार। अच्छा, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी, बहन जी आ रही है कुल बहुमत में 110%। क्यों? क्योंकि वो दो से चार बार रह गई है सत्ता में, वहाँ की स्थिति में बहुत सुधार किए हैं। ये इनकी जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनसे लोग, वहाँ की जनता उब गई है, इसलिए बहन जी को फुल बहुमत में वो लोग दे रहे हैं अपना मत। या किसकी सरकार आ रही है इस बार? तो मेरे ख्याल से बीएसपी पूर्ण बहुमत से आ रहा है, और रहा बात बहन जी के समय में चौमुखी विकास हुआ उत्तर प्रदेश का, इसलिए कि अखिलेश यादव की सरकार में विकास नहीं हो रहा है, ताकि वो अपने कास्ट वाइज कुछ राजनीति में जाति कर देते हैं। जाति में राजनीति करते हैं नहीं है, लेकिन राजनीति में जाति कर देते हैं, इसीलिए वहाँ पर विकास नहीं हो पाता है और अपने कास्ट वाइज की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और मायावती जी पूरे संपूर्ण समाज को लेकर चलती है, बाबा साहेब के विचारों को लेकर चलती है, बाबा साहेब के जो दिए हुए विचार है उन्हीं पर चलती है और सभी समाज को उन्हें विकास करने की अपनी योजना बनाती है। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और सपा का गठबंधन है जो पिछले सरकार में थी, और मायावती को बहुत सारे सीटें आने जा रही है, पर मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि वो पूरा बहुमत से सरकार बना पाएगी। बिल्कुल सर, बसपा की आएगी, उसका आप इतिहास देख लीजिए। बसपा एक ऐसा पार्टी है जो नीचे से उठा है और वे सभी वर्गों को, भले वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है मायावती, लेकिन वो सब समाज का उसका पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। बहुत लोग जनों को विकास करने पर तत्पर है। आप देखिएगा कि ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इस बार जो उनका सीट का जो आवंटन किया गया है, सभी वर्गों को सभी जातियों को समावेशित ढंग से सीट दिया गया है, और उसका इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण बहुमत बसपा की आएगी यूपी में। ऑफकोर्स कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की वहाँ सरकार बनने वाली है पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो एक कंसेप्ट है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की, एक तो वो काफ़ी हिट हो रहा है, और दूसरी चीज़ कि अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके। एक तो हम अगर बीजेपी की बात करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसा चेहरा जो पूरे देश में हर एक राज्यों में जा करके वो लगता है कि वही मुख्यमंत्री की उस राज्य के उम्मीदवार हैं, जिस तरह से वो करते हैं। यूपी में माया बोलावा हो तू जीतावा, यूपी में तो माया बोलावा हो तू जीतावा, पूरे भारत में दीदिया बोलावा हो तू जीतावा। अखिलेश यादव है परिवार से उलझल, अरे अखिलेश यादव परिवार से उलझल, कतक है नजर समाज के हो तू जीतावा आवा, पूरे भारत में दीदिया बोलावा हो तू जीतावा, पूरे भारत में दीदिया बोलावा हो तू जीतावा। मेरी बहन जी यूपी में पूर्ण बहुमत से आ रही है, इस पर मुझे गर्व है और मेरे पूरे समाज को भी गर्व है। मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बना कर चल गए, उस पर कोई नज़र देखने वाले नहीं है, सिर्फ वो हम लोग आरक्षण देकर गए हैं, लेकिन हम लोग भी उन पर नज़र दे रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी दीदिया मायावती बहन जी आएगी यूपी में और हम लोग पर भी नजर डालेगी। जय भीम, जय भीम, मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद।